आज मुझे दुख है कि वो मेरे साथ में नहीं है। हम दोनों परिवार से छुप छुप के मिलते थे क्योंकि मैं जाट से हरिजन हूँ, वो जाट से सोनी है। आज वही दोस्त बोल रहा है कि अपन हिंदू है, आप भी हिंदू है ना सब, कुछ तो करो, हमें भी तो लगे। उन की तैयारी हो रही है। हम चाहते ना तो जब से उनकी दुकानों को जला देते, लेकिन ये चीज नहीं करना चाह रहे तो आरोपियों को फांसी की सजा दे। चित्तौड़गढ़ में अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ता और भाजपा पार्षद पुत्र की हत्या पर बाजार पर हुए बंद। छिटपुट घटना के साथ बनी सहमति, धरना प्रदर्शन हुआ समाप्त। चित्तौड़गढ़ में बीती रात गांधीनगर क्षेत्र के मोक्ष धाम चौराहे पर मोटरसाइकिल पर हथियारों से लैस होकर आए युवकों ने भाजपा के पूर्व पार्षद जगदीश सोनी के पुत्र अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता रतन सोनी पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर फरार हुए। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल रतन सोनी को सावल या चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन उदयपुर ले जाते समय ही रतन की मौत हो गई। हिंदूवादी रतन की मौत की सूचना शहर भर में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते सावलिया चिकित्सालय और सुभाष चौक पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। शहर में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। वहीं सूचना पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आख्या भी कोतवाली पहुंचे और परिजनों के साथ मामला दर्ज करवाया। सर्व हिंदू समाज के लोग सुभाष चौक पर एकत्रित होकर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस पर भारी जाब्ता तैनात है। बता दें कि पिछले कई दिनों से राजस्थान राज्य में मुस्लिम समुदाय के द्वारा हिंदू युवकों को टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं। इस बीच बीती रात रतन सोनी पर कुछ युवकों ने धारदार हथियारों से सिर में वार कर हत्या कर दी। इस हत्या के विरोध में जब तक परिवार को न्याय ना मिले तब तक सभी हिंदू और व्यापारिक संगठनों ने चित्तौड़गढ़ बंद का आह्वान किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सांधु, उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई, DYSP बुद्धराज टांक सुभाष चौक पर मौके पर मौजूद रहे। वही मामले में दो आरोपियों को डिटेन किया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण का खुलासा किया जाएगा और मामले की गंभीरता और शहर में शांति बनाए रखने के लिए रतन सोनी हत्याकांड में पुलिस प्रशासन और परिजनों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में सफल वार्ता हो गई है। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या पर शहर में अमन चैन और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन की मध्यस्थता से सुलह होकर वार्ता सफल हो गई। वही धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। बता दें कि संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने प्रशासन की ओर से मृतक की पत्नी को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सरकारी नौकरी, 25 लाख मुआवजा, आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर न्याय दिलाने की बात कही है। मृतक रतन सोनी के पिता ने पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर जताया भरोसा। पोस्टमार्टम के बाद आज शाम होगा मृतक का अंतिम संस्कार। राज्य धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रवान सिंह आक्या, सांसद सीपी जोशी, श्रीचंद किपलानी और अन्य जनप्रतिनिधियों और समाज के प्रतिनिधियों, कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, SP प्रीति जैन की मौजूदगी में सफल वार्ता हुई। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार के साथ सुनीता शर्मा की रिपोर्ट। लेकिन आज इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आपके बीच में है। कांग्रेस का एक नेता यहाँ पे नहीं है। इस चोट को बचा के रखना समय आया ना तो ये जवाब तुम्हारे को उत्तर में देना। अपने सब जनप्रतिनिधि बेटे जो दोनों तीनों की बात हुई उसमें जो मेन मूल जी में एक बचा हुआ उसके वजह से क्या मेन मूल जी को इन्होंने 2 से 3 दिन का समय लिया, 3 दिन में उसको मैरेज कर लेंगे। उसके लिए कंपेंसेशन के रूप में 25 लाख रुपये, हाँ 25 लाख रुपये सोनी परिवार को, उनको भी चेक देने और उसको 25 लाख रुपये उनको देने। और नौकरी वाली अपन ने उसकी बहू के लिए नौकरी की जो बात करी है, उस नौकरी में 2 नौकरी के लिए उन्होंने कहा है नगर पालिका के थ्रू
उसमें नल्ले या आजिद मिला है जिंद में किसके भी थ्रू हम करवा लें, ये सब जनप्रतिनिधि उसमें साथ थे, उन सब लोगों के सामने बात करता है। और जो जो भी जो भी अपने लोग बंद हैं, दो को किए, पांच को किए, दस को बंद किए, उनको 107, 151 में भी पाबंद करके अभी उनकी कार्रवाई करके उनको सबको जितने भी बंद है अपने 5, 8, 10, 12 बंद है सबको भी छोड़ेंगे। इस चीज़ पे ये बातें होंगी और आप सब लोगों को और भी कोई बात हो जो भी आप बताओ। और आप सब लोगों ने इतना बड़ा सब लोग साथ आप सब लोग इतने खड़े रहे और सब लोग रात के 10 बजे से लगाकर अभी तक आप लोग रहे तो आप ही हम लोगों के कारण नहीं हुआ है, ये जो से है वो सब आप लोगों का से है। आप सब लोगों की वजह से ये इस परिवार को जो थोड़ा बहुत कंपेंसेशन मिला है वो ज़्यादा उसके वो जो आदमी गए वो तो वापस नहीं आ सकता है, और जो छोटा मोटा जो मिला है वो सब आप लोगों के कारण मिला है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को तहे से इतना भी धन्यवाद दूँ और धन्यवाद है जो बाउक तवर छोटे मोटे सब लोगों ने मार भी कही, किसी ने पत्थर भी खाए, किसी ने लट भी खाए और अपने खाए अपने कार्यकर्ता के लिए और अपने हिंदू परिवार के लिए अपने मार खाई थी, उसके लिए अपने मार खाई थी, जो भी घटना हुई उस कारण घटना हुई। इसलिए तो मैं आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद दूँ और माननीय श्री संजीव भाई साहब मोबाइल बंद करो साहब आपको सब कि आप सब लोगों के प्रयास से ये सफलता आजाद उत्तर मिली है। जो 3 जगह हम लोगों ने रखी थी उनके परिवारों में से भी हमने बातचीत की, एमपी साहब की जिला अध्यक्ष जी और एमएलए साहब बद्री जी और जितने जनप्रतिनिधि जी यहाँ पर बैठे सभी ने बातचीत की। और प्रशासन मैं तो एक बात होगा अभी हमने प्रशासन को कहा कि हत्यारों को गिरफ्तार करने के बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो कानून में कड़ी से कड़ी सजा वो मिलना चाहिए ताकि भविष्य में इतनी घटना यहाँ पर नहीं हो। निश्चित रूप से नौकरी मिलना और 25 लाख रुपए देना बहुत छोटी चीज़ है, 25 लाख रुपया हम उसको दे देगा अभी छोटी चीज़ है, लेकिन हमारा मन है कि आप लोगों की एकता की वजह से हो, लेकिन समझता हूँ कि आप लोगों ने जो सहयोग किया उसके लिए हम सब आभारी हैं और भविष्य में भी भगवान नहीं करे इस तरह की घटना नहीं हो। हम सब एक संगठित होकर हम कोई भी छोटी मोटी बात पे ही तो संघर्ष करेंगे और यदि अपराधी अगर 3 दिन में नहीं पकड़ेंगे तो बस फिर आंदोलन करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मंत्री महोदय का, राकेश जी का, तमाम जनप्रतिनिधि और सबसे पहले आप लोग के बाद 4 बजे तक कोई वहाँ से हमने तैयार नहीं था, इसलिए विशेष रूप से सर्व समाज का आभार प्रकट करते हैं कि आपने हिंदू एकता को आपने यहाँ एक दर्शाया और भविष्य में भी इस प्रकार की कोई घटना हो आप और हम सब लोग पूरी ताकत के साथ खड़े रहे क्योंकि परिस्थितियाँ थी और जो हम सब लोगों ने आप लोगों ने बैठकर ये तय किया कि गिरफ्तारी हो मुलजिम की, परिवार को मुआवजा मिले और मृतक की पत्नी को नौकरी मिले, ये अगर आप लोगों की ताकत नहीं होती तो प्रशासन हाथ जोड़ के मांगों को नहीं मानता, ये सर्व समाज की ताकत थी और आप लोगों की ताकत ही सुधे से मानी। और जिन लोगों ने प्रशासन की प्रेशर में आकर हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है उनको भी छोड़ने का संभागीय आयुक्त और कलेक्टर एसपी ने स्पष्ट कहा कि हम उनको अभी छोड़ देंगे, ये आप लोगों की ताकत पाबंद करके छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपसे फिर से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप और हम सब लोग ये अगर एकता नहीं होती तो शायद ये प्रेशर इस गहलोत सरकार में आप और हम सब लोग नहीं बना, लेकिन ये ज़रूर है कि 1.5 वर्ष के बाद ऐसे जो जालिम हैं उनके जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनके घरों पर बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। ताली बजाने वाली बात नहीं है लेकिन हम सब लोगों को सचेत होने की आवश्यकता भी है कि कोई भी एक जाली मार के हमारे भाई को सराम मार के चला जाए। एकता ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि आप सब लोग आए कि आप सब आपने जो इतनी मेहनत करके इतना क्योंकि गर्मी भी थी लेकिन एक भी कार्यकर्ता यहाँ से हिला नहीं, आप मार भी कही जो भी कोई हुआ प्रशासन के डंडे भी चल रहे थे लेकिन एक कार्यकर्ता यहाँ से हिला नहीं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की कभी भी कोई घटना हो हम सबको एकजुट रह करके इसी तरह से हमें विरोध प्रदर्शन करेंगे, तभी लोग ये
जो है ये पुलिस की लगाम लगेगी। और जिस तरह से बात भाई साहब ने की है, डेढ़ वर्ष बाद जब कभी अगर परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से होगा। और जब होगा तो यार बात करेगा भाई साहब ने जो कहा है। मैं एमएलए साहब भी बिराजे हुए, एमपी साहब भी बिराजे हुए, मंत्री जी भी बिराजे हुए हैं। इन लोगों के अवैध रूप से रहने वाले सभी लोगों के ऊपर और इनके जो ये गलत कृत्य करने वाले लोग हैं, इनसे बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसे हमारे सबके भाव हैं। मैं तो इतना ही आपसे निवेदन। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि कल एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा जो है हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में हो गया था, जिसके कारण कल शाम से ही थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। और आज दिन से हमारे संभागीय महोदय और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, लगातार जो पीड़ित पक्ष है उसके लोगों से और समाज के लोगों से बात कर रहे थे। और खबर ये है कि अभी जो है सभी लोगों की एक इसके बीच में एक कंसेंसस बन चुका है, और जिसमें जो हमारा पीड़ित परिवार है उसकी जो विधवा है उसको कहीं पर हमारे यहाँ पर स्थानीय नौकरी, और साथ में 25 लाख का मुआवजा, जिसमें 5 लाख का मुआवजा जो है वो पीड़ित प्रतिकर स्कीम में से और 20 लाख का मुआवजा जो है जनसेवक से दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ये भी आश्वासन उनको दिया गया है कि जितने भी जो भी मुलजिम हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और जल्दी से जल्दी जितने भी, क्योंकि सीसीटीवी में जो भी मुलजिम आ रहे हैं उनको जो है पकड़ लिया जाएगा। और अभी जो है माहौल बिल्कुल शांत है, और सभी जनप्रतिनिधियों ने सभी बहुत ही जो है वो सकारात्मक भूमिका अदा किया। थोड़ी देर में जो है जो शव है उसका पोस्टमार्टम और दाह संस्कार की कार्रवाई भी आज करवा दी जाएगी। धन्यवाद भी करता हूँ और उनसे अपील भी करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशील तरीके से जो है हैंडल किया है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की अफवाह में ना आए, मामला जो है पूरी तरह शांत हो चुका है, और परिवार के जो लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके हमने इस का जो है समाधान किया। और जो भी सरकार ने उनके साथ कमिटमेंट किया है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। कल देर रात्रि को चित्तौड़गढ़ कोतवाली क्षेत्र में रतन सोनी हत्याकांड में पुलिस को विभिन्न सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर पुलिस ने अब तक 3 संदिग्धों को राउंड अप किया है। और जो प्रारंभिक तौर पर कई नाम सामने आए हैं उनमें वसीम, राहुल सेन, मुश्ताक हुसैन, कालू और हिम्मत सिंह, इनके नाम सामने आए हैं। पुलिस सभी संदिग्धों के बारे में पूर्ण जाँच पड़ताल करके वास्तविक मुलजिमों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस पार्टी गश्त कर रही है, निगरानी जारी है, फिक्स पिकेट लगाए गए हैं, मोबाइल पार्टियां अनवरत कार्य कर रही हैं और चित्तौड़ क्षेत्र में पूर्ण शांति और व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास जारी हैं। कल दिनांक 31 मई को कोतवाली क्षेत्र में श्री रतन सोनी की हत्या का जो हुई उसमें अब तक पुलिस लगातार टीमें बनाकर अलग जगह दबिश दे रही है। अब तक 3 लोगों को राउंड अप किया जा चुका है इस मामले में, और अलग अलग जगह पर फिक्स पिकेट और मोबाइल पार्टी के माध्यम से पूरी जगह पुलिस गश्त और निगरानी जारी है। पूरे क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी। और साथ ही पूरी तरह से ये कहूँगी कि किसी भी प्रकार के फेक न्यूज़ या कोई ऐसी बात नहीं फैलाएं जिससे कि किसी प्रकार की शांति व्यवस्था को खतरा हो। पुलिस लगातार अपना कार्य कर रही है और आने वाले समय में मुलजिमों को शीघ्र गिरफ्तार किया